सच में एक ही चमन, दोनों ऐसे खिले सच में एक ही चमन। मेरा प्यारा तू भैया लेती हूँ बलिया, मेरा प्यारा तू भैया लेती हूँ बलिया। रोली अक्षत सजाए बहन आई है, तेरी लंबी उम्र फूल सा हो डगर लगन जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, आई होप सारे अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो, कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टेटस एडिटिंग वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिससे आप इस तरह की वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की वीडियो क्रिएट करना चाहते हो और आपसे नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको क्रिएट करके दे सकती हूँ। इसके लिए आपको मेरे से कॉन्टेक्ट करना होगा, आपको सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल के अलावा हमारा एक और चैनल है, अगर उस चैनल को अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो प्लीज़ उस चैनल ज़रूर विजिट कीजिए। उस चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो नीचे लिंक दी गई है, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। सो एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको इसे ओपन कर लेना है। ये ओपन हो गया है, अब आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको 16:9 की रेशियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है। फिर आपको सेटिंग पे जाना है, एडिटिंग पे जाना है, आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। फिर आपको मीडिया पे जाना है और आपको वो इमेज ऐड कर लेनी है जिससे आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। ये हो गया, आपको फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है और आपको इसके विगनेट को ऑन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके इसके स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को एडजस्ट करके इक्वल कर देना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको सारे इमेज के विगनेट को ऑन कर लेना है। ये हो गया फ्रेंड्स, अब आपको इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको प्रेजेंटेशन पे जाना है और आपको स्लाइड ले लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको साढ़े प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको स्लाइड वाले ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया, अब आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये आपके फाइल में सेव हो जाएगी, जिसे अपने वीडियो में यूज करना है। ये हो गया, अब आपको बैक आ जाना है और आपको अब इसके ट्रांजिशन इफेक्ट को चेंज कर लेना है। तो आपको ट्रांजिशन इफेक्ट वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और आपको इसमें स्ट्रिप वाइप वाले ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको सारे ट्रांजिशन आइकॉन पे क्लिक करके आपको सारे के ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ये हो गया है, फिर आपको लेयर पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है और आपको इसमें विगनेट को ऑन कर लेना है। फिर आपको इसे फुल स्क्रीन कर देना है, फिर आपको इसे फुल वीडियो तक कर लेना है। अब फिर आपको लेयर पे जाना है, इफेक्ट पे जाना और आपको ब्लर वाली इफेक्ट को ले लेना है और आपको इसे फुल स्क्रीन कर लेना है, फिर आपको इसे फुल वीडियो तक कर लेना है। फिर आपको सेटिंग पे जाना है और इसे थोड़ा कम कर लेना है। ये हो गया है, फिर आपको लेयर पे जाना है,
मीडिया पे जाना है और आपको एक टेम्पलेट को ऐड कर लेना है। इस टेम्पलेट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और इसे ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो पासवर्ड आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को इन तक देखना, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको इसे फुल स्क्रीन कर लेना है। फिर आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपने जो एक्सपोर्ट वीडियो किया था आपको उसे ले लेना और आपको इसे यहाँ पे सही से ऐड कर देना है। ये हो गया है। फिर आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना, आपको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। फिर आपको ब्लेंडिंग पे जाना है और आपको इसे स्क्रीन कर लेना है। फिर आपको एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करना है और आपको क्रॉपिंग पे जाना है और इसके बाहर निकले भाग को आपको सही से क्रॉप करके हटा देना है। ये हो गया है। फिर आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। और अगर आप इसमें ऑडियो को ऐड करना चाहते हो तो आपको ऑडियो वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसमें सॉन्ग को ऐड कर लेना है, बट टेम्पलेट के सॉन्ग को म्यूट करके। फिर आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये आपके फाइल में सेव हो जाएगी।